अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास वन, ओपन योर बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 70। हम लोगों ने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था चांद और तारे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या था, चांद और तारे आपस में बातें कर रहे थे। तारे जो थे वो चांद से क्या कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि हम जो है चमक चमक कर थक जाते हैं, हमारा तो बस एक ही काम है कि हम चमकते रहें, ये काम हमारे कभी ख़त्म होगा या नहीं। तो फिर चांद ने, हम देखते हैं क्या जवाब दिया था। ये लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ये लोग जो है ना अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे थे, क्योंकि चांद और तारों को अल्लाह ताला ने रोशनी दी है ना, तो उनका क्या काम है, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है ना कि तुम चमकते रहो और लोगों को रोशनी देते रहो। अब हम यहाँ देखते हैं पेज नंबर 71 पे, चांद ने बड़े प्यार से कहा। अब जब तारों ने शिकायत की तो चांद ने जो है तारों को बड़े प्यार से क्या समझाया, ए मेरे प्यारे साथियों, यानी कि मेरे साथियों आप लोग, मैं भी आपके साथ हूँ, आगे देखिए, हमारी पहचान हमारे काम से है, यानी कि हम अगर काम करेंगे तो हम पहचाने जाएंगे। जिस तरह से अब ये चांद कह रहे हैं कि हम चमकते हैं तो हमारी पहचान ये है कि हम तारे हैं, हम चमकते हैं, हम चांद हैं, हम रात को निकलते हैं। इस तरह से अगर हम काम करते रहेंगे तो हम पहचाने जाएंगे, ठीक है। अगर हम नहीं चमकेंगे तो हमें कौन पहचानेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम लोगों को रोशनी नहीं देंगे तो हमें कौन पहचानेगा, ठीक है, कौन बोलेगा कि चांद, ये चांद है और ये तारे हैं। जो लोग काम से जी चुराते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जिस तरह से आप लोग स्कूल में देखते हैं कि आप कोई बच्चा काम नहीं कर रहा होता तो वो टीचर उनको बार बोलती रहती है, बेटा काम करो, तो मतलब के अब टीचर पहचान गए ना कि ये बच्चा है, ये काम नहीं करता, तो टीचर बार बार उसी को बोलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम नहीं चमकेंगे तो कौन पहचानेगा। जो लोग, मैं कह रहे हैं कि जो बच्चे या जो लोग काम से जी चुराते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, ये सही बात की हुई इन्होंने। अगर आप लोग भी मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत का फल रायगा नहीं जाता है, आपको एक दिन मेहनत का बदला ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं चांद, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी चमकते रहो, इंशाल्लाह ताला हमें इसका अजर ज़रूर मिलेगा। तुम भी अपने काम को दिल लगा कर करो। अब चांद ने क्या कहा तारों को, अब तुम्हारा हक है कि तुम भी काम को क्या करो, दिल लगा कर करो, ठीक है। तुम सबको इसीलिए अच्छे लगते हो कि तुम चमकते रहते हो। आप लोगों को जब रात में चांद दिखता है, सूरज भी दिखता है, ठीक है, और तारे भी दिखते हैं रात में, तो आपको कितने अच्छे लगते हैं ना चमकते हुए तारे। तो ये भी यही कह रहे हैं चांद जो है तारों से कि तुम जब चमकते हो तो लोगों को इतने अच्छे लगते हो, ठीक है। अगर तुम नहीं चमकोगे तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। हम लोग भी आपको ये बात समझाते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आप सबको अच्छे लगोगे, ठीक है। आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे तो आप पहचाने जाओगे, ठीक है। हमेशा टीचर को याद रखिए, अगर आप निकम्मे बच्चे बन जाओगे, कुछ पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, बस खामोशी से बैठे रहोगे क्लास में, काम नहीं करोगे, तो इस तरह आपको क्या बोला जाएगा, एक गंदा बच्चा। इसीलिए आपकी पहचान क्या हो जाएगी, गंदे बच्चे के नाम से हो जाएगी। तो हमें हमेशा अपनी पहचान क्या करनी चाहिए, अच्छी बनवानी चाहिए। हमें दिल लगाकर काम करना चाहिए, दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे चांद ने भी तारों को यही बात समझाई, मैं भी आपको यही बात समझा रही हूँ कि आप लोग हमेशा मेहनत करते रहें। फिर क्या हुआ था, चांद की बात तारों को समझ आ गई और वो फिर से चमकने लगे। जिस तरह से तारों को चांद की बात समझ में आ गई, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप लोगों को भी दिन ज़्यादा से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तारों ने जो है फिर क्या करना शुरू किया, तारे जो है फिर से दोबारा से चमकने लग गए। उन्होंने फिर कोई चांद से क्या करी, कोई शिकायत नहीं करी, कोई शिकवा नहीं करा। आप लोगों को भी यही चाहिए कि आप लोगों ने क्या करना है, दिल लगाकर मेहनत करनी है, अच्छे से काम करना है, काम से जी नहीं चुराना। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाबी हासिल होगी, ठीक है। आपका ये आज का चैप्टर तमाम होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।